अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप सबकी मरीना असद। वेलकम बैक इस्लाम। आज का व्लॉग बहुत ही मजे का है क्योंकि आज हम अभी नहीं बताना अभी तो व्लॉग स्टार्ट हुआ है भाई। आगे आगे देखें फिर आप लोग स्किप कर देंगे, ऐसी बात नहीं। अभी नहीं बताना, बाद में बताएंगे। पानी खड़े होके नहीं पीते, देख लेंगे पानी खड़ा होके। व्लॉग को पता नहीं है कि हम अपनी जनता के साथ बात कर रहे हैं इस टाइम। किसके साथ बात कर रहे हैं? जनता के साथ बात कर रहे हैं। सो जनाब, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो चलें आगे। आगे कहाँ जाएं? मैं रेसिपी फॉलो करूंगी अपने अब्बू की। मतलब मेरे अब्बू बहुत मज़ेदार टिक्का बोटी बनाया करते थे, तो उनकी रेसिपी फॉलो करूंगी। और मैं इसमें डालूंगी कोई भी टिक्के वाला मसाला, आप कोई भी डाल सकते हो, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रही। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक और लाल मिर्च और नींबू, बस और कुछ भी नहीं डालना। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन 6 to 7 hours तक, यानी 6 से 5 घंटे तक आपने इसको कवर करके रख देना है फ्रिज में। सो जनाब, उसके बाद मैं करूँगी घर के बहुत सारे काम, क्योंकि ज़ाहरी बात है घर के काम भी करने हैं, तो आप लोगों ने तो नहीं करने होंगे। और बहुत मज़ा आएगा आज के व्लॉग में, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कैसे बनेंगे। पहली दफ़ा बना रही हूँ, दूसरी दफ़ा बना रही हूँ, कुछ याद नहीं है। पर मुझे याद है मैंने पहली दफ़ा बनाए थे तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे, उसमें मैंने कचरी पाउडर डाल दिया था। मैं आप लोगों ने देखा होगा मैंने पिछले किसी व्लॉग में, वैसे ये पहना नहीं है क्योंकि मैंने अभी पहना है। और बहुत ही प्यारा सा मेरा ड्रेस है, लोन का ही है, जिसकी स्टिचिंग मैंने अदरक की पता नहीं ट्रेडिशनल टाइप की इसकी स्टिचिंग मैंने करवाई हुई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर इंस्टाग्राम से देख सकते हैं। मुझे कपड़ों का वैसे ही बहुत ज़्यादा शौक है, एक क्रेज़ होता है ना, हालांकि मेरी अम्मी मुझे बहुत डांटती हैं, नानों भी कहती हैं कि कपड़ों का जो है वो हिसाब देना होता है। लेकिन मैं कहती हूँ खैर, मैं जुमे वाले दिन पहन करना उनका हिसाब ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने मुझे कपड़ों से ना रोका करें, मुझे बस बेतहाशा शौक है। सो मैं प्यारे से कपड़े पहन ली, क्योंकि ज़ाहिर बात है बारबेक्यू पार्टी तो नहीं कह सकते, पार्टी में तो बड़े सारे लोग आ जाते हैं, बट हम दो ही तीन बंदे हैं, दो में से दो बंदों ने खाना है, तीसरा बंदे ने नहीं खाना, मेरी अम्मी ने नहीं खाना। लेकिन कोई बात नहीं, हम बड़ी पार्टी भी करेंगे, क्योंकि मेरी जो एक दोस्त है वो गई हुई है चित्राल, तो वो आएगी ना, फिर उसके साथ भी हम करेंगे बारबेक्यू की एक बड़ी मज़ेदार सी पार्टी। लेकिन अभी मेरे भाई की ख्वाहिश है कि हमने कुर्बानी का गोश्त नहीं खाया, और हम कुर्बानी का गोश्त इसी तरीके से खाएंगे कि आप हमें टिक्के बना के दो, तो चल के बनाते हैं टिक्के। तो अब हमने एक सेटअप सारा कर लिया, जैसे कि हमने ये सीखे वगैरह, ऑयल वगैरह और अंगीठी भी रख दी, और अब हमारे कोयले भी तैयार हैं। बस अब हम अंगीठी में कोयले डालेंगे और उसके बाद हम फिर कोयले लगाएंगे, आग जलाएंगे और फिर मज़े मज़े के टिक्के। इसको क्या ऊपर रखेंगे कोयले, हमें देखिए छोटी सी अंगीठी मिल गई। और इस्लाम ने पता नहीं कैसा सा व्लॉग बनाए, यहाँ पर हमने अपने चीफ गेस्ट्स जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए जगह बनाई है। सो जनाब, अभी हम लोग कहीं गए हुए थे और वहाँ पर हमने कुछ भी नहीं खाया, जैसे कि आप इससे पूछ सकते हैं कि हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं खाया। और हमें बहुत भूख, हमें भूख लगी थी, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्योंकि आप लोगों के सामने मैंने मसाला लगा के रखा हुआ था। अब जल्दी से बनाते हैं, अभी जो आगे क्लिप आना है वो आने वाला है हमारा स्लोमो में, तो आपने क्या करना है स्लोमो को देखना, इन्जॉय करना है। अभी बारी आती है आग लगाने की, वो वाली आग नहीं, दूसरी आग वाला काम अरसलान कर रहा है। उसका मुँह देखें यार, ये क्या किया है। हम कोयले लगाने की भरपूर कोशिश करें पर हमसे कोयले नहीं लग रहे। फाइनली क्या आग लग चुकी, यकीन माने आग तो लग चुकी है, लेकिन टिक्के हम लोग फ्रिज से निकाल के लाए नहीं। यार टिक्के तो लेके कभी याद करे जो जमाना, वो जीते मर मिट जाना। कोयले तो जल चुके हैं, और कितने जलाने हैं, कोयले जल चुके हैं भाई साहब। यकीनन इनको देखकर आपको भी भूख लग रही होगी, तो अपने फ्रिज से एक पैकेट निकाले और उसके छोटे छोटे टिक्के बनाए और मेरे जैसे मसाला लगाकर आप लोग भी भरपूर तरीके से बारबेक्यू पार्टी करें। और दूसरी बात यह कि हमने आधे से ज़्यादा ऐसे ही खा लिए थे, हमने सोचा था रोटी के साथ खाएंगे, बट जा रहे हैं और साथ साथ खाई जा रहे हैं, और हमें बहुत भी भूख लग रही होगी। इसमें मज़ेदार टिक्का गिर गया कहीं पे, ये आगे गिर मज़ेदार कह रहा, वीडियो के चक्कर में हमारा टिक्का खराब हो रहा है। ये देखें मेरा भाई कितनी मेहनत कर रहा है, मेरा भाई की शक्ल चेक कर रहे हो आप लोग, टिक्के लगाते हुए कितनी मेहनत हो रही है, हम यहाँ पे रखी जा रहे हैं गरम गरम। अभी ये बहुत मसरूफ़ है खुद के। अच्छा, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी अच्छी कुक बन जाऊंगी और इतने अच्छा टेस्ट होगा। मेरी कज़न आई थी तो वो कहती यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। वैसे मैं तारीफ़ तुम्हारी नहीं करती होती, क्योंकि वो हम दोनों ना मतलब एक दूसरे को तंग करते रहते हैं, तो वो कहती मैं तारीफ़ नहीं करूँ, लेकिन आज तुमने वैसे ही वाकई बहुत ज़्यादा कर। मैं सारे टिक्के मेरे सड़ गए, ये देखें
ये स्नैपचैट ही नहीं बन रही कसम से। चक्कर में मेरे सारे तिक्के जल चुकी है। कभी आप जो सोशल मीडिया वाले हो ना उनके साथ कभी तुम्हारा आईफोन है मेरा एंड्रॉइड है तो कीड़ियां ही नजर आएंगी। और साथ मेरी बहन की भी कॉल आई हुई है वो दूर से मजे ले रही है। काफी मजा आया। ये भी एक टाइम होता है, ये भी एक छोटा सा, वो कहते हैं ना हर मूवमेंट को इंसान को खुशी से निभाना चाहिए। और मेरा भाई यहाँ पर कितने मुश्किल तरीके से जो है ना वो तिक्के सीखों से निकाल रहे। इस बेचारे को क्या बताया, मैंने कहा आप तुम निकालो मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। और मेरी बहन कहती है कि मैं जब आऊँगी तब भी बनाना। मैंने कहा आ जाना बना लेंगे, टेंशन ना लो, अभी तो हमें तो खाने दो। तुम लोगों को देख के मुझे खत्म होंगे, कब खाएंगे यहाँ से, सारी जगह साफ करते हैं और बैठ के यहीं पे अल्लाह के आसमान के नीचे, आसमान के नीचे बैठ के खाएंगे। मेरी पिक्चर देखते मैं देखता रहता हूँ भाई। हमारा सादा सा जो है ना खाना तैयार हो गया। तुम्हारा आज बीच में आ जाओ तो मैं अभी बताती हूँ ना गाइस को, तुम्हारे गाइस के चक्कर में मैं गाइस को बताती हूँ कि ऐसे लगा कर ऐसे खाते हैं। बहुत टेस्टी थे। अब व्लॉग कल कंटिन्यू रखेंगे, इस टाइम मेरा हाल बहुत बुरा हो चुका है, मैं बहुत बुरी और सच में बहुत टेस्टी बने थे। और ये रेसिपी अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। ये मेरे अब्बू की बहुत पुरानी रेसिपी है। सो व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि मैंने आगे कोई व्लॉग बनाया ही नहीं था। अल्लाह हाफिज़, अपना